हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इंस्क्रिप्शंस की हिस्टोरिकल वैल्यू के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में भी हम हिस्टोरियंस इंस्क्रिप्शन को कैसे और कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं और इंस्क्रिप्शन में उनको क्या ऐसा मिलता है जिससे वो इस बात का पता लगाते हैं कि राजा की एक्टिविटीज़ क्या थी। हिस्टोरियंस हैव टू मेक अदर असेसमेंट एज वेल। वो कौन से असेसमेंट हैं जो हिस्टोरियंस इंस्क्रिप्शन से निकालते हैं, इंस्क्रिप्शन से उनकी मीनिंग निकालते हैं कि इफ़ किंग्स ऑर्डर वर इंस्क्राइब ऑन अ नेचुरल रॉक्स नियर सिटीज़ और इम्पॉर्टेंट रूट्स ऑफ द कम्युनिकेशन वुड पासर बाय हैव स्टॉप टू रीड दीज। तो इंस्क्रिप्शन तो हमें मिले हैं उस टाइम के, लेकिन उनसे जो हमारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं हिस्टोरियंस के पास वो कुछ ऐसे हैं कि जहाँ जहाँ से इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहाँ पर उनके पाए जाने का रियल औचित्य क्या था। क्या वहाँ से गुजरने वाले उसको उनको रुककर पढ़ते थे? क्या लिटरेसी इतनी अच्छी मात्रा में थी? जबकि ये भी है कि मोस्ट पीपल वर प्रोबेबली नॉट लिटरेट, साक्षरता उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन तो भी क्या उन इंस्क्रिप्शन का वहाँ पर पाया जाना, वो जाने वाले वहाँ से उसको रीड करते होंगे, पढ़ते होंगे, उसका मैसेज जो वो कन्वे करना चाहता था उसको समझते होंगे? डिड एवरीबडी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड द प्राकृत यूज इन पाटलिपुत्र? क्योंकि पाटलिपुत्र में जो प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी, क्या वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में अंडरस्टैंड की जाती थी? हर कोई समझता था उसको, क्योंकि अभिलेख प्राकृत लैंग्वेज में मिले हैं हमको। वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैव बीन फॉलोड? ऐसा किया जाता था क्या? उनके जो कमांड वो देना चाहता था, जो मैसेज कन्वे करना चाहता था, उसको अक्षर से पालन उसका होता था? आंसर टू सच क्वेश्चन वर नॉट ऑलवेज ईजी टू फाइंड रियली। वाई? बिकॉज ये इंस्क्रिप्शन हमको जिन जगहों पर मिले हैं वहाँ पर हमको वो इंस्क्रिप्शन एविडेंस के रूप में मिले हैं, लेकिन उन इंस्क्रिप्शन के द्वारा हम ये इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं उनके अक्षरों का मिलान करके कि वो इंस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, लेकिन वहाँ उस चीज़ को ओबे किया जाता था इसका अनुमान लगाना कठिन होता है। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर एविडेंट इफ़ यू लुक एट द अशोका इंस्क्रिप्शन सोर्स 11। जो सोर्स 11 है आपका, द एंग्विश ऑफ द किंग, राजा की वेदना, जिसमें कि अशोका ने 273 BCE में उसने ही असेंडेड द थ्रोन, एंड उसके बाद आफ्टर 8 ईयर्स 261 BCE में उसने एक बहुत अपनी लाइफ का फेमस वॉर कलिंगा का युद्ध लड़ा था, कलिंगा जो कि उड़ीसा का पुराना नाम है, और इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। और इस युद्ध के बाद अशोका में एक बहुत बड़ा चेंज आया, उसने कभी भी भविष्य में बैटल ना करने का डिसाइड किया, और साथ ही उसने अपने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया, अहिंसा ना करने का निश्चय लिया। विच हैव बीन ऑफन इंटरप्रिटेटेड एज रिफ्लेक्टिंग एंग्विश ऑफ द रूलर्स एज वेल एज मार्किंग अ चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वारफेयर। क्योंकि अशोका के इंस्क्रिप्शन अशोका की गतिविधियों के बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं कि उसने क्या फील किया कलिंगा के वॉर से, कैसा जिस धर्म को अपनाया वो कौन सा धर्म था, और उसके एटीट्यूड में उसको लेकर क्या चेंज आया। एज वी विल सी द सिचुएशन बिकेम्स मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन वी मूव बियॉन्ड रीडिंग द इंस्क्रिप्शन एट फेस वैल्यू। अगर हम इन शब्दों पर न जाकर इनके औचित्य को समझना और इनके गहरे मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं इंस्क्रिप्शन के, तो स्थिति और ज़्यादा जटिल हो जाती है। गहरे मीनिंग मतलब कि इस इंस्क्रिप्शन को खुदवाने के पीछे राजा का क्या उद्देश्य रहा होगा। इंस्क्रिप्शन तो हमें ये बता रहा है कि कैसे उसका एटीट्यूड चेंज हुआ, कैसे उसने बैटल ना करने का डिसाइड किया, लेकिन रियल में उस समय में ये लिखवाने का के पीछे राजा का क्या मोटो रहा होगा,
वो जो है वहाँ उस सेंस तक पहुँचना इंस्क्रिप्शन में बहुत मुश्किल होता है। वाइल अशोका इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन प्रेजेंट डे उड़ीसा इन वन डिपिक्टिंग हिज एंग्विश इज मिसिंग इन अदर वर्ड्स द इंस्क्रिप्शन हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द रीजन दैट वॉज कॉन्क्वर्ड, क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन का ऐसी ये इंस्क्रिप्शन उस स्थान से नहीं मिला जहाँ ये बैटल हुआ था उड़ीसा में कलिंगा में, ये हमको अन्य किसी स्थान पर मिला है। तो उस स्थान पर ऐसे किसी इंस्क्रिप्शन का जिक्र क्यों नहीं है, ऐसे किसी इंस्क्रिप्शन को ये इंस्क्रिप्शन क्यों नहीं मिला है, ये बात ये चीज़ साबित करती है कि हो सकता है कि राजा उस समय उस सीन को देखकर जो उसने पेन फील किया वो उसके बारे में कुछ भी ना कह सका, इसीलिए ऐसे इंस्क्रिप्शन हमको अदर जगहों पर तो देखने को मिलते हैं, अदर जगह प्लेस पे देखने को मिलता है, लेकिन उस जगह नहीं मिलता जहाँ रियल में ये वॉर हुआ था। अब हम बात करते हैं द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस, कि हम जिन अभिलेखों का की हेल्प लेते हैं इतिहास को फॉर्म करने के लिए तो वो हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं और कितने क्या उसमें लिमिटेशंस हैं, क्या उसमें कमियां हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, तो इनको वन बाय वन ये आपका क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन इन फॉर्मिंग दिस हिस्ट्री। तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम भी दिखाई देती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें किसी किसी इंस्क्रिप्शन में वर्ड जो हैं वो बहुत धुंधले हो चुके हैं, फैट पड़ चुके हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमको बहुत ही डिस्ट्रॉय कंडीशन में मिले हैं और सारे इंस्क्रिप्शन एक सीक्वेंस वे में हमको नहीं मिले हैं और कई इंस्क्रिप्शन में लेटर्स भी हैं जो वो भी मिसिंग हैं। तो हमेशा इतना इजी नहीं होता कि किसी भी इंस्क्रिप्शन के किसी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना भी इजी नहीं होता, क्योंकि वो मीनिंग उस प्लेस उस टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। इफ़ यू गो एन एपिग्राफिक जर्नल यू विल रियलाइज द स्कॉलर वर कंस्टेंटली डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ रीडिंग इंस्क्रिप्शन, क्योंकि एक एपिग्राफिस्ट भी जब एक इंस्क्रिप्शन को पढ़ता है तो उसके टाइम पीरियड में जो अदर टेक्स्ट हैं उससे भी उसका मिलान करता है, उसमें और उसके डिस्क्रिप्शन में और जो इंस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन दिया है दोनों में मिलान करके पढ़ता है, पूरी तरीके से वो किसी एक किसी इंस्क्रिप्शन की ही बातों पर निर्भर नहीं रहता। Although several thousands inscriptions have been discovered, not all have been there deciphered, published and translated. Besides, many more inscriptions must have existed, which have not survived the ravage of time. So, what is available in present is probably only a fraction of what was inscribed. So, inscription. कि जो लिमिट्स हैं जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो ये हैं कि जो कुछ भी इनमें लिखा है उसको एपिग्राफिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग अदर टेक्स्ट से मिलान करके उसको लिखना पड़ता है। कई बार एपिग्राफिस्ट को एग्जैक्ट वर्ड के वर्ड इंस्क्रिप्शन में जो वर्ड दिए हुए हैं उनके एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं मिलते, कई सारे इंस्क्रिप्शंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इंस्क्रिप्शन हमको सीक्वेंस वे में नहीं मिलते, और सबसे बड़ी बात कि इंस्क्रिप्शन हमको रूलर की जो गतिविधियां थी एक्टिविटीज़ थी उन पर फोकस करते हैं, तो इंस्क्रिप्शन हमको जनरल आम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताते। There is another, perhaps more fundamental problem. Not everything we may consider politically, economically significant was necessary recorded in inscription. For instance, routine agricultural practices and the joy and sorrow of the daily existence find no mention in description.
विच फोकस मोर ऑफन देन नॉट ऑन ग्रैंड यूनिक इवेंट्स। अगर उसने कहीं कोई युद्ध लड़ा है, अगर उसने कहीं कोई विजय हासिल की है, अगर उसने कहीं कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, या उसने कोई ऐसी पॉलिसी चलाई है जो कि बहुत आगे जाके फेमस हुई, तो इनसे जुड़े हुए हमको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, या फिर जो डेली लाइफ में जो लोग एक्सपीरियंस जो लोगों का था, उससे जुड़े हुए इंस्क्रिप्शन हमको कम दिखाई देते हैं। एट सच दे नीड टू बी जक्सटापोस्टेड विद अदर पर्सपेक्टिव सो एज टू अराइव ऑन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। और हमको इंस्क्रिप्शन के माध्यम से अगर हम पास्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अदर सोर्सेज को भी पढ़ना पड़ता है, उनको भी जानना पड़ता है, और उनकी भी हेल्प लेनी पड़ती है।